हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सिबलम का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है, तो चलिए सारी चीज़ों को कवर करना है। सारी चीज़ें मतलब क्या, तो आप सभी लोगों को बताइए, यूजुअली संडे के दिन हम क्या करते हैं कि कल जब बाजार ओपन होगा, ठीक है, तो कौन से स्टॉक सबसे ज़्यादा फोकस में रहेंगे, उससे रिलेटेड बातचीत इस वीडियो में यहाँ पे होने वाली है। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा कि ये बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, एवरेज करो, वो आपकी मर्जी। मैं आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो अल्ट्राटेक सीमेंट, ये कंपनी रडार पे वैसे भी कई दिनों से देखने को मिल रही है, अभी भी यहाँ पे रडार पे रहेगी। उसी के साथ साथ इंडिया सीमेंट, ये कंपनी भी आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। और इसके पीछे का रीज़न बहुत ही सिंपल है भाई, कि अल्ट्राटेक सीमेंट के बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया कि जाओ भाई इंडिया सीमेंट को खरीद लो करके, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अल्ट्राटेक सीमेंट रेडी टू एक्वायर 32.72% स्टेक इन इंडिया सीमेंट, ठीक है। लगभग 4,000 करोड़ के आसपास या फिर 3,954 करोड़ का ये डील की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सीमेंट सेक्टर में जो चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रही है, लगातार यहाँ पे जो बड़े दिग्गज सीमेंट कंपनियाँ हैं वो बाकी छोटे प्लेयर्स को या फिर मीडियम साइज़ की कंपनीज़ को लगातार एक्वायर करते ही जा रहे हैं। सो यही चीज़ें हम लोग को देखने को मिले, और इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को पॉइंट भी बताया था कि ये चीज़ें भविष्य में हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी करके। सो इंडिया सीमेंट फिलहाल 372 का स्टॉक नज़र आ रहा है। जो एक्विजिशन हुआ है उसका जो प्राइस है वो 390 यहाँ पे बताया जा रहा है, तो एक अच्छा पॉइंट नज़र यहाँ पे आ जाता है। तो इसी चीज़ के चलते इंडिया सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट रडार पे रखना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ एक सवाल भी यहाँ पे पूछा गया कि चेन्नई सुपर किंग्स के ओनरशिप का क्या होगा, क्योंकि इंडिया सीमेंट के पास ही चेन्नई सुपर किंग का ओनरशिप देखने को मिल जाता है। तो उन्होंने कहा है अनअफेक्टेड, ठीक है। तो ये एक पॉइंट उन्होंने बोल के यहाँ पे रखा हुआ है। देन अगर हम लोग बात करें व्हाट नेक्स्ट मतलब सीमेंट इंडस्ट्री में अभी क्या होगा, तो आपको बताइए जैसे कि बिरला ग्रुप एक बड़ा प्लेयर देखने को मिल जाता है, एंड दूसरा कौन है अभी फोकस की अगर हम लोग बात करें तो अदानी ग्रुप। सो अदानी ग्रुप भी एग्रेसिवली यहाँ पे हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को मिला। इस चीज़ के चलते अंबुजा सीमेंट, ACC लिमिटेड, इनके ऊपर भी आप फोकस बना के रख सकते हो, क्योंकि ये जो फाइट है वो धीमे धीमे करके हम यही कह सकते हैं कि यहाँ पे बिरला वर्सेस अदानी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले, उसी डायरेक्शन में वो चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अदानी भी बहुत सारी जो छोटे छोटे सीमेंट कंपनी है उनको लगातार एक्वायर करते हुए देखने को मिल रहा है और अपना मार्केट शेयर यहाँ पे बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है भाई। आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पे एविएशन सेक्टर के और आप फोकस रख सकते हो। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम लोग अगस्त मंथ की बात करें दोस्तों, तो काफ़ी सारा हम लोगों को ट्रैवलिंग का जो ट्रैफिक है वो यहाँ पे देखने को मिलने वाले। कहाँ पे, ऑब्वियसली एयरलाइन की बात कर ले हैं, तो हम लोग एयर ट्रैफिक की यहाँ पे बात करें। इसी चीज़ के चलते यहाँ पे एयरलाइन वाली कंपनियाँ फ़ायदा उठाएंगी कैसे, तो एयर फेयर को बढ़ाकर, ठीक है। तो डिमांड, ओवर डिमांड देखने को अगर मिल जाता है, सो जो सर्विसेज देने वाली जो कंपनियाँ होती है वो क्या कर देती है, अपने दाम बढ़ा देती है। अच्छा 5,000 का टिकट बहुत ज़्यादा डिमांड है, 6,000 का, 6,000 भी रेडी है, 7,000, 8,000, तो ये चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। और बताया जा चुका है कि लगभग 46% तक के भी हम लोग को जंप देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं एयर फेयर की बात करें तो। क्यों, क्योंकि काफ़ी सारे हम लोग को हॉलीडेज़ यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते डिमांड एयरलाइंस की काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसी चीज़ के चलते आप इंडिगो जैसी कंपनी, स्पाइस जेट जैसी कंपनीज़ को अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हैं। इस चीज़ का फ़ायदा जो भी कंपनीज़ को मिलेगा उसका जो इम्पैक्ट है वो हम लोग को क्वार्टर टू के रिजल्ट में देखने को मिल जाएगा। देन बात करेंगे, PNB फोकस में रहना चाहिए बिकॉज ऑफ क्वार्टर वन के उनके जो नंबर्स थे, आप सभी लोगों को पता है 3,252 करोड़ के देखने को मिले, 160% की जंप है। असेट क्वालिटी की भी बात करें तो काफ़ी अच्छा हम लोग को हेल्दी देखने को यहाँ पे मिल चुका है। आगे बढ़ेंगे वेदांता के साथ साथ हिंदुस्तान जिंक, दोनों स्टॉक्स फोकस में रहेंगे बिकॉज अगर देखा गया तो जो पुराना असेसमेंट ईयर की बात करें 13-14, तो वहाँ का टैक्स डिमांड निकाला है सरकार ने लगभग 1,884 करोड़ का, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते हिंदुस्तान जिंक तो खास करके फोकस में यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, ठीक है। मतलब डिमांड किया जा रहा है भाई पैसा दो करके, तो क्या रिएक्शन रहता है वो एक देखने वाली बात रहेगी। आगे बढ़ेंगे GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो जो मर्जर की खबर है वो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, तो GMR एयरपोर्ट भी आप लोगों के रडार के ऊपर ज़रूर यहाँ पे रहना चाहिए। सो आप यहाँ पे देख सकते हो GMR एयरपोर्ट एंड GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हम लोग को मर्ज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे टैक्स रेल की अगर हम लोग बात करें, जिसका पूरा नाम आप देख सकते हो टैक्स मैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड है करके, ठीक है। तो ये भी क्यों फोकस में यहाँ पे रहना चाहिए, तो आप सभी लोगों को पता है। वैसे तो ऑलरेडी हम लोगों ने एक खबर को यहाँ पे पढ़ ही लिया है कि जिंदाल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने यहाँ पे खरीद लिया था। देन अगर हम लोग बात करेंगे PTM में भी हम लोग को फ्राइडे के दिन तेज़ी देखने को मिली थी, अपर सर्किट ही लगा था। इसके पीछे का रीज़न है कि सरकार ने उनको एक चीज़ से रिलेटेड अप्रूवल दिया था। कौन सी चीज़ थी, वो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीज़ थी, ठीक है। उनकी जो सब्सिडरी थी है उसमें उन्होंने यहाँ पे हरी झंडी दिखा दी, हाँ जाओ करके निवेश करो करके, एंड इसी चीज़ के चलते वहाँ पे हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो मोतीलाल ओसवाल भी फोकस में रख सकते हो, इनके भी नंबर काफ़ी इंप्रेसिव देखने को मिल चुके हैं। शेयर मार्केट टॉप पे तो अच्छा ही कमाएंगे। डॉक्टर रेडीज फोकस में रहेगा क्योंकि फ्राइडे के दिन आपको पता ही है, अब फ्राइडे नहीं
सैटरडे के दिन की बात करें, मतलब यस्टरडे की, तो कंपनी की बोर्ड मीटिंग थी यहाँ पे कि भाई स्प्लिट देना है कि नहीं। तो चलो, इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई हाँ चलो हम स्प्लिट देने जा रहे हैं 1:5। मतलब जो पहले फेस वैल्यू 5 का था वो अभी फेस वैल्यू रिवाइज होकर 1 हो जाएगा। मतलब अभी आपको 1 के बदले 5 शेयर मिलेंगे। बट बिगिनर जो भी है उनको बताना चाहूँगा, 1 के बदले 5 शेयर, मतलब शेयर का प्राइस क्या ये जो रफली 7,000 के आसपास देखने को मिला क्या वैसे ही रहेगा? तो इस सवाल का जवाब है नो। शेयर का प्राइस भी हम लोग को डिवाइड बाय 5 होते हुए देखने को मिलेगा। अभी जो एकदम ही बिगनर है समझ में आ जाता है भाई, वो कमेंट सेक्शन में ये चीज़ें पूछते हैं, भाई हमने भी शुरुआत बिगनिंग से ही की थी, हर किसी की शुरुआत जीरो से ही होती, तो हमें भी ये डाउट आता था, अरे भाई तो फिर ये बोनस स्प्लिट देते ही क्यों हो? ठीक है, यहाँ पे हम लोगों के शेयर 5 गुना हो जाते हैं, शेयर प्राइस डिवाइड बाय 5 होता है, इन्वेस्टमेंट है उतना ही है। तो कौन सा रॉकेट साइंस है, कौन सा इतना किस बात का हुआ कि इतनी बड़ी बड़ी बातें होती है? तो दोस्तों, इसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म में होता है, कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ समझने के लिए आपको मार्केट में काफ़ी टाइम गुजारना पड़ेगा और आपको डिसेंट इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। ठीक है, इनिशियल स्टेज पे आपको लगेगा ये सारी बेतुकी बातें हैं, बट ये कोई बेतुकी बातें नहीं है भाई, यही चीज़ है जो कि इन्वेस्टर को एक्चुअल में बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करके देता है। ठीक है, इसका इम्पैक्ट हिडन रहता है बट वो लॉन्ग टर्म में आप लोगों को देखने को आप मिल जाएगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम जब बोनस स्प्लिट होते हैं ना तो आपके शेयर्स कई गुना बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर रेड्डीज इस चीज़ के चलते कल के दिन फोकस में रहने वाला स्टॉक ज़रूर रहेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे रीट्स लिमिटेड, इसको आप फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। सरकारी कंपनी, रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी, अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। और ये कंपनी क्यों फोकस में रहेगी? क्योंकि कंपनी के बोर्ड ने यहाँ पे अनाउंसमेंट दे दिया है कि 31 जुलाई को मिलो भाई। किस चीज़ के चलते? कि हम लोग यहाँ पे आपको फ्री शेयर्स दे सकते हैं करके। फ्री शेयर्स मतलब बोनस स्प्लिट की बात होगी, तो चलो पढ़ ही लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने यहाँ पे बोल दिया है कि 31 जुलाई बुधवार को यहाँ पे हम मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं टू कंसिडर इशू ऑफ बोनस शेयर। अभी मुझे बताओ क्या बोनस देना कंपलसरी है? बिल्कुल भी नहीं, वो 31 तारीख को डिसाइड करेंगे देना है कि नहीं देना है। ठीक है, बट ये जैसी खबर देखने को मिल जाती है ना, तो एक शॉर्ट टर्म हिसाब से एक अच्छा माहौल हम लोग को देखने को मिल जाता है। इसकी कोई गारंटी नहीं होती भाई कि स्टॉक भागेगा ही करके। ठीक है, कभी कभी क्या हो जाता है, नहीं भागाना तो लोग एकदम परेशान होते हैं। ये चीज़ हमेशा दिमाग में फिक्स करना भाई, शेयर बाजार में कोई गारंटी नहीं, अच्छे नंबर आ जाए, सुपर अच्छे नंबर आ जाए तो इसका अर्थ ये नहीं कि धमाका होना ही तय है करके। इसमें काफ़ी हिडन चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है, काफ़ी बड़े इन्वेस्टर अलग अलग दिशा में स्टॉक्स को लेके जाते रहते हैं। तो इन पॉइंट को समझो, हमेशा लॉन्ग टर्म की चीज़ें आप लोगों ने सोचना यहाँ पे आनी चाहिए। सो इस चीज़ के चलते कल के दिन राइट्स जैसा स्टॉक जरूर रडार के ऊपर रहेगा ही रहेगा। टाटा मोटर फोकस में रहेगा, जब से नुआमा ने अच्छी कमेंट्री यहाँ पे दी है लगातार तेजी देखने को मिले। 5 दिन में ही स्टॉक 13.5% चढ़ गया, आप यहाँ पे देख सकते हो। टाटा पावर की भी बात करेंगे तो अच्छा अच्छा यहाँ पे डील्स होते हुए देखने को मिले। बैंक ऑफ इंडिया के साथ रिसेंटली उन्होंने डील यहाँ पे करके रखी हुई है, रूफटॉप सोलर से रिलेटेड ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के हिसाब से। तो टाटा पावर भी फोकस में आप लोगों ने रखना चाहिए। MTNL की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे सर्किट में स्टॉक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है लगातार, जब से BSNL की खबर आई तब से। ठीक है, अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, B=B। ठीक है, बिजनेस देखकर ही हम लोगों ने चलना होता है, बाकी ये सारी चीज़ें बुल रन में चलती रहती है। ठीक है, बुल रन में काफ़ी सारे शिकार यहाँ पे होते रहते हैं। इन स्टॉक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? यस, टाइमिंग। जिसका टाइमिंग यहाँ पे सही बैठा वो पैसा कमा लेता है, जिसका टाइमिंग गलत हो गया ठीक है वो फंस जाता है। अभी वो कहाँ से टॉप बनाएगा और कहाँ से बॉटम रहेगा ये किसी को पता नहीं होता है। ठीक है, तो ये एकदम ही ऐसी चीज़ यहाँ पे रहती है और हमेशा बड़े प्लेयर्स ही इसमें खेलते हैं, आपको पता ही है, क्योंकि एक छोटा मोटा शेयर बेचने से और खरीदने से शेयर के ऊपर आप लोगों को कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है, अंटिल एंड अनलेस बड़ा कोई बल्क में बाय करे या फिर सेल करे। सो ठीक है, MTNL की पार्टी लगातार देखने को मिल रही है, कब तक चलेगी वो देखने वाली बात रहेगी। TTML भी फोकस में रहने वाला स्टॉक रहेगा, ये भी फिलहाल बुल रन के चलते ज़्यादा फोकस में रहता है BSNL की, ये जो जब से स्टडी हुई है तब से लेकर। देन बात करेंगे RVNL भी एक बाय डिफॉल्ट फोकस में रहने वाला स्टॉक है, काफ़ी सारे ऑर्डर्स यहाँ पे मिलते रहते हैं। देन IRFC की भी अगर हम लोग बात करें, ये भी फोकस में रहता है, डेली बेसिस के कुछ नॉर्मल स्टॉक्स रहते हैं जिनको हम स्टडी करते रहते हैं। इरेडा अच्छा फोकस में रहेगा, ठीक है, इरेडा को अच्छा कंपटीशन मिलते हुए देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे बैंक्स, NBFC भी हम लोगों को अभी रूफटॉप मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड फाइनेंसिंग स्टार्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। मार्केट काफ़ी बड़ा है, नो डाउट अबाउट इट, बट ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई उसके बाजार में कंपटीशन बढ़े करके। ठीक है, तो इरेडा को भी ज़बरदस्त यहाँ पे टाइप्स यहाँ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये देखने वाली बात जरूर रहेगी, तो इरेडा जरूर आप फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आज के दिन की अगर हम बात करें तो Zen Technologies, यस आज के दिन संडे है और Zen Technologies के नंबर देखने को आप मिलने वाले थे। एंड दोस्तों लास्ट टाइम भी अगर हम लोग बात करें, लास्ट टाइम मतलब सो ठीक है दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं Zen Tech के नंबर को ही मैंने ओपन यहाँ पे किया। अभी तक के जो नंबर थे एकदम ही कमाल के देखने को मिले थे, और इस वक्त के भी नंबर कैसे हैं तो आप देख सकते हैं, सीक्वेंस जून मार्च जून का है, 25,000, 14,000, 13,000, पहले ही ओवर में आप बोल सकते हैं 6 बॉल 6 सिक्स मार दिए इन्होंने पहले ओवर में। ठीक है, मतलब क्या रेवेन्यू इतना तगड़ा देखने को मिल रहा है ये छोटे कंपनीज़ के लिए भाई, यही सबसे क्या होती है कीमती चीज़ होती है। ठीक है, मतलब क्या ये ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने लाए, बिजनेसेस लाए हैं, इसके चलते इनके झोली में पैसा देखो कितना आ गया। ठीक है, पहले 14 था, पहले
13-13 तो अभी 25-25.5 इतना ज़बरदस्त रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए इतना जल्दी, खर्चे भी देखने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए 25 की कमाई 26 का खर्चा लॉस में जाएंगे। सो खर्चा भी देख सकते हैं 14, 9.5, 6, ठीक है बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शनेट में, बट इनकम जो बढ़ी है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर प्रॉफिट या फिर लॉस, तो कितना बढ़ी है यहाँ पे टैक्स बिक्स को सब कुछ कट कुट करके, पॉइंट नंबर 7 आप देख सकते हैं, जूम ही कर लेता हूँ तो अच्छा रहेगा, लिखने की भी जरूरत नहीं। 7948 तीन महीने पहले था 3758 और एक साल पहले था 4843। क्या परफॉर्मेंस है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस का यही फायदा होता है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, बहुत सारे लोग अभी जाग जाते हैं, अरे देखो देखो कैसा भाग रहा है करके, तो ऐसा नहीं, ये आपने पहले स्टडी करना होता है। एंड आपको पता ही, हम लोगों ने इसको भी पहले स्टडी किया था, कभी सही भी जाएंगे कभी गलत भी जाएंगे, खुद से दम के ऊपर ट्राई करना इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जो खुद से इस प्रकार की चीज़ें ट्राई करेगा ना भाई, वो मार्केट में काफ़ी आगे जाता है, ठीक है। आप अर्निंग्स को भी यहाँ पे देख सकते हो, इससे सारा खेल क्लियर हो जाता है। 9.19, 4.19 एंड 5.81 तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ईयरली या फिर क्वार्टरली परफॉर्मेंस एकदम दमदार देखने को आप मिल रहा है। सो इस प्रकार के परफॉर्मेंस के चलते कल जेनटेक भी ज़रूर रडार के ऊपर रहेगा कि कैसा यहाँ पे ये परफॉर्मेंस दिखाता है करके। अगर हम लोग फ्राइडे के दिन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो बीच में 12 बजे के आसपास ही एकदम किसी ने बड़ी बाइंग लगा दी और उसके बाद स्टॉक अपर सर्किट में ही चला गया। सो जिस प्रकार के नंबर है, प्रोबेबिलिटी तो यही लग रहा है कि कल के दिन भी ये शायद से अपने अपर सर्किट को, क्या पता, कंटिन्यू भी कर ले करके। भाई कोई रिकमेंडेशन है, जस्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नंबर इतने सॉलिड हम लोग को देखने को जो यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।